جي نمبر آ سوچا پاکستان کا ہے جي نمبر آ سوچا پاکستان کا ہے جي نمبر آ سوچا جي نمبر آ سوجا پاکستان کا ہے جي نمبر آ سوجا جي نمبر آ سوچا جي نمبر آ سوچا پاکستان کا ہے جي نمبر آ سوچا असल मैं जमील फ़ारूकी हूँ आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तमाम तारीफ पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है और तमाम दूरद पाक नबी आसर उज्मा हज़रत महमद मुस्तफ़ा अहमद मुलतबा सल्हम के पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं जिनकी वजह से हम हैं जिनकी वजह से ये कुल कायनात है तख्त लाहौर कैदी नंबर आठ सौ चार के नारों से लरज उठा है सिर्फ तख्ते लाहौर बल्कि नारे केपी के, के अंदर लगे हैं हिलाया पंजाब को है क्योंकि इवेंट इतना बड़ा आने जा रहा है इक्कीस सितंबर को इक्कीस सितंबर को जो इवेंट आने जा रहा है वो अपनी जगह है। उससे पहले उन्नीस सितंबर को एक और इवेंट आने जा रहा है ये दोनों इवेंट्स क्या है इसकी तफसीत मैंने शेयर करनी है नारे कहां पर लगे किसने किसको कितना लर्जाया उसकी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी कॉल दे दी है बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए आप सबको पता है इस्लामाई कोर्ट बार भी गुस्से में है। मलिक ने जो परसों कहा मौलाना साहब मौलाना साहब जबले इस्तेकामत बने हुए हैं लेकिन क्या मौलाना साहब की गेम अभी भी ऑन है या ये फिल्म का इंटरवल है इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है इसके ऊपर भी मैं तफसी से बात करूंगा अंदर खाने क्या हुआ किसने मुसविदा तैयार किया आ, नून लीग को कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा है अंसार अब्बास साहब की एक स्पेशल स्टोरी है वो भी शेयर करूंगा आ, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं ईद मिलादुल नबी सल वसलम के मौके के ऊपर उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर हैं बजाय इसके कि रोजा रसवील सल्ला वसलम की तस्वीर लगाई जाती यह समझ से बारातर है इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स वायरल बयान आते इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है एक और गुजारिश अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन यानी नि घंटी या अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं डंडे का दौर है डंडे का शोर है इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर कर लीजिए ऑल का चेक मार्क ऑन दीजिए ज्यादा करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन गंदी डॉल्फिन का मामला ठीक हो सके शार्क का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई साहब इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए आपके और हमारे दरमियान जो मोहब्बतों का सिलसिला है वो जारी रहेगा टॉप स्टोरी ऑफ द डे वो ये के नारों से यानी कैदी नंबर 804 के नारों से यानी कप्तान के हक में लगने वाले नारों से तख्ते लाहौर लरस गया ये नारे लाहौर के अंदर भी लगे सनम जावेद खान और बाकी लोगों की कयादत के अंदर रैलियां निकल रही हैं गुजश्ता दो दिन से 21 सितंबर के हवाले से मोमेंटम डेवलप किया जा रहा है केपी के अंदर खड़े होकर भी अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों ने मिलकर नारे लगाए हैं कि हम आ रहे हैं लाहौर में और कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगा रहे हैं तो यह मोमेंटम को डेवलप कर रहा है मामला यहीं तक नहीं रुकता है जनाब अब कॉल दे दी गई है 19 सितंबर यानी इस जुमेरात की कॉल दे दी गई है कि वकला अदलिया बहाली तहरीक का बाकायदा आगाज कर रहे हैं इसका ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है बार काउंसिल ने बार ने, बार ने जो के उनके बार है। इसके ऊपर बाकायदा जारी करते हुए उन्नीस तारीख को ऑल पाकिस्तान वोकला कन्वेंशन को बुला लिया है। तो इसका मतलब तो तारीख को वोकला ने निकलना है और वोकला इस सारे मामले के अंदर कितना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं ये सब जानते हैं कल मुनीर वले साहब दोबारा अपीयर हुए काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर और उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को आप देखेंगे कि मंसूर अली चा साहब इस मुल्क के आइंदा आईनी चीफ जस्टिस का हलफ ले चुके होंगे अब उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि आईन عوام और पाकिस्तान के درمیان एक معاہدہ ہے لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ आईन क्मरानों और बदमाशिया के दरमियान शायद कोई मुहिदा है जिसको जब चाहे बदल दिया जाएगा तो ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है इसके अलावा मुख्तफ बार्स के बाहर खड़े होकर नए चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिन है जो चीफ जस्टिस होंगे उनका नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से ठीक ठाक नारेबाजी भी हुए हैं नारे नारे भी लगे हैं तो मेरे ख्याल में हाल इतदार के अंदर जो खलबली मची है उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है मौलाना साहब के ऊपर हम बात कर लेते हैं मौलाना साहब की जो पिक्चर है वो अभी बाकी है या पिक्चर में वही हीरो हैं असल में जज्बाती कौम है वो ये समझती है कि अभी फिलहाल वक्त जो बंद बांधा गया है उसके बाद भी वो हीरो रहेंगे तो ये जेन नशीन कर लीजिएगा कि कैरेक्टर जो होते हैं वो इंसान के वो शेडी अगर हों तो उनके ऊपर एतमाद नहीं आता है वनर साहब ने जो कुछ किया अभी तक वो काबिल तसिन है वो जबल इस्तकामत बने हुए हैं वो जबल इस्तकामत की तरह डटे हुए हैं ठीक है थेके? तो बड़ी अच्छी बात है मौलाना फजल साहब थाईलैंड भी कुछ भी कर सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात है लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक पिक्चर में इंटरवल है और जिस वक्त वो ये रियलाइज कराने में नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को कामयाब हो जाएंगे कि मुल्क की सियासत उन्हीं के दम खम से है और उनके जो तो हैं उसके मुताबिक पैकेज अगर आ रहा है तो वो जो पैकेज आता है वो पैकेज अगर आ रहा है तो फिर वो मान भी सकते हैं तो इसको अभी आप The end मत समझिए का इट्स एन इंटरवल और आने वाले दिनों में इसके अंदर से कोई बड़ी स्टोरी आ सकती है ये मेरी असेसमेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के कुछ हरकारों को हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं और उनका हमें पता है कि वो बड़े मद के साथ यू टर्न लेने में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं अच्छा एक खबर और जो है वो उड़ती उड़ती आई कि मौलाना साहब ने जो है नवाज शरीफ को फ्टी कराई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शीव साहब ने एक साथ जाना था नवाज शरीफ साहब ने फोन किया तो मौलाना साहब ने फोन सुनने के बाद कहा कि आपके आने की जरूरत नहीं मैं खुद पार्लियामेंट आ जाता हूँ पार्लियामेंट चले गए उन्हें मिलना भी गवारा नहीं किया नुसरत जावेद साहब की स्टोरी है हो सकता है कि ऐसा हुआ हो क्योंकि मौलाना साहब डसे हुए हैं इन सबके इनको मुतद बार राइट दिखा कर लेफ्ट मारी गई आपको याद होगा गया इन टैरम सेटअप से पहले जो सेटअप था उसमें मौलाना फजुलर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का वादा किया गया था तो वो नहीं बने तो अब वो ज्यादा डसे हुए हैं तो मेरे ख्याल में वो अपनी टर्म्स के ऊपर ही बातें मनवाएंगे लेकिन ये तय है कि मुल्क की पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इवेंट ड्रिवन है एक वक्त में कोई एक सा होता है तो अगले वक्त में अगले वक्त सा हो जाता है तो यू टर्न लेते हुए देर नहीं लगती इसलिए आपने ज्यादा तो नहीं लगानी आज के दिन की एक बड़ी स्टोरी यह भी है कि उमर सुल्तान साहब पाकिस्तान तारीख इंसाफ के देरीना रहनुमा भी हैं आप इमरान खान साहब के देरीना साथी भी थे उनके सिक्योरिटी स्टाफ को देखते थे वो बखैर आफियत घर वापस पहुंच गए तो सुबह सवेरे हमें ये खबर सुनने को मिली रात गए वो वापस पहुंचे ये बड़ी अच्छी बात है एटलीस्ट अदलिया अपना काम कर रही है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है और अगर आईनी पैकेज जो मंजूर होने जा रहा था वो हो चुका होता तो फिर इस तरह की जो एबडक्शन थी वो लीगल करार दे दी जाती अब्बासी साहब की एक स्टोरी है वह तो दिलाओ स्टोरी है वो आपकी तरफ ये अंसार अब्बासी साहब इस हुकूमत से मुतालिक लिख रहे हैं ये बड़े गौर से सुनिएगा बड़ी गौर तलब स्टोरी है वो कहते हैं आइनी पैकेज हुकूमत को शदीद शर्मिंदगी मामला खुफिया रखने की बजाय कबल वक्त खुल गया भाई आईनी पैकेज ला रहे थे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है खुफिया रखने की तुक नहीं बनती थी जब तक उसके ऊपर डिबेट नहीं होगी वो खुफिया कैसे रखा जाएगा तो ये उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि खुफिया नहीं रख सके इसलिए जलील हो गए नून लीग की अदलिया से करने में नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी का शिकार है किसके आगे जाकर शर्मिंदा हो रही है आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा दो अफराज मोहसिन नकवी और आजम नजीर तरड़ को आइनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुखरात और उन्हें आन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की ना तजुर्बाकारी के बायस अब ये लफ्ज ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचें क्रिकेट का क्या हुआ होगा इन दोनों की ना तजर्बाकारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल वक्त आम पर आ गया आए हाय हाय बड़ा अफसोस हुआ है जी लालत ऐसे निजाम के ऊपर आगे जो काम खामोशी से करने का था उसे कबल वक्त ही टीवी पर खोलकर पेश कर दिया गया यानी नहीं करना चाहिए था इनके मुताबिक यह साफियां इनके मुताबिक जिसके हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया जिस वक्त पीपल्स पार्टी और दीगर इतिहादी शराकत दारी हत्या के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे और उन्हें यह तस्वर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी एस वक्त उन्हें देखकर हैरानी हुई तो मुझे आनी का ही नहीं देखा एक तरफ खुफिया रखने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ यह बात कर रहे हैं अब और सुनिएगा है, आगे सुने इस पूरे मामले में सागडार बाद में शामिल हुए और वजी आजम भी मौलाना की राजगा जा पहुंचे एम आर ए सदर ने भी कोशिश की जबकि बिलावल ने भी जे आई फी के सरबराह से मिलने के लिए आ, कोशिश की लेकिन हुकूमत के लिए कोई राह ना निकली सरकारी का कहना है अब ये इनके सरकारी जराय जराय देर नहीं लगती ऐसे मामला में सब कुछ हतमी होने के बाद सब सामने लेकिन इस मामले में मौलाना साहब से कोई डील के बगैर कौमी असमली और सैनिक के इजलास तलब कर लिए गए आईनी तरमीमी पैकेज पहले तो गुज्त बुद्ध को पेश की जाने का इरादा था लेकिन अददी कुत पूरी ना होने की वजह से इसमें तखीर हुई यानी अब मिनोन लिया गया कि बंदे पूरे नहीं थे ये मेरी स्टोरी नहीं है किसी और की स्टोरी नहीं है ये अनसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जो हुकूमत की सपोर्ट में रहते हैं अमूमन अच्छा फिर वो कहते हैं कि पीटीआई से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी लेकिन मराना की वजह से मामला खराब हो गया यानी ये ये भी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के जो वोटर्स जिनको पैसा ऑफर हुआ वो इनकी तरफ थे हालांकि मामला उसकी तरफ दूसरी तरफ है उस वो हामिद मीर की स्टोरी है मैं आगे बताता हूं आपको अच्छा जी जिससे हुकूमत बिलखसूस नून लीग शदीद खिफत का सामना करना पड़ रहा है नून लीग के एक जरिए के मुताबिक मौलाना को मनाना अब बहुत मुश्किल होगा लेकिन एक और जरिए का कहना है कि ये काम पूरा करने के लिए जबरदस्त कोशिश की जाएगी जरा का कहना है कि हुकूमत के पास हदफ के हसूल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं ताकि हुक्मर जमात और शहबाज हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके नून लीग के एक रहनमा का कहना था कि हफ्ते के आखिरी दिनों में हुई गड़बड़ के बावजूद हम इस मामले को मुर्दा करार देकर छोड़ने के मुतामिल नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि हमारे पास ये तरह पंद्रह रोज में मंजूर कराने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है यानी हुकूमत को हुई डेडलाइन दी गई है कि नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के अंदर अगर आप ये मंजूर करा लेते हैं तो ठीक नहीं तो बिस्तर बोरिया गोल कर लें कहानी असल में है ये अब उसमें यह मौलाना साहब को क्या पैकेज ऑफर करते हैं यह आगे जाकर आता आता पता चलेगा जनाब आ, ये आपने स्टोरी सुन ली अब मैं आ जाता हूँ एक और बार काउंसिल खैबर पख्तूनखा बार काउंसिल ने भी आईनी तरामीम की शदीद अल्फात में मजम्मत कर दी है और आजाद अदलिया पर हमला करार दे दिया है आ, कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल कर लेता हूं वो जरा आप देख लीजिए साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि मौलाना ने हुकूमत को का मुंह काला कर दिया मौलाना ने हुकूमत का मुंह काला कर दिया वो तरामीम का मुसविदा नहीं दे रहे डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने और मकबूल जान साहब की पिक्चर शेयर की है कि फ्री हिम ही इज इनोसेंट मैं एक मत फिर ये बड़ी अच्छी बात है काफी दिनों के बाद आवाज दोबारा उठना शुरू हो गई मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा कि वो तमाम लोग जो तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं प्लीज और मकबूल जान साहब इस वक्त गैर कानूनी जुडिशल कस्टडी का के अंदर हैं क्योंकि उनके ऊपर वो केस बनता ही नहीं जिस केस के तहत वो हैं तो मेरी नजर में तो उनके लिए जितनी आप आवाज उठा सकते हैं उतनी कम है जितनी आवाज उठा सकते हैं उतनी कम है बहुत जरूरी है और ये खासतौर पर तहरीक इंसाफ और बाकी जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको करना चाहिए सरम जावेद खान ने ट्वीट किया हुआ कहते हैं इतनी भी क्या बेशरम हो आपके लोग आपके जाने की दुआएं मांग रहे हो साहब के ऊपर बात आपके रुख्सत होने के दिन गिन रहे हो आप इंसाफ करने के काबिल ना हो फिर भी जान ना छोड़े कुर्सी है आपका जनाजा थोड़ी जिससे उठ नहीं सकते इमरान रियाज खान सनम जावेद ने बड़ा अच्छा लीड किया हुआ है रैली को पंजाब के अंदर इमरान रियाज खान कहते हैं पीपल्स पार्टी नंबर्स पूरे ना होने पर दोबारा जमहूरियत का लिबादा उड़ने का ड्रामा करते हुए चंद शिकों पर हमें ऐतराज था अब कोई फायदा नहीं है आप बेनकाब हो चुके हैं और फिलहाल कार्रवाई भी नहीं डाल सकते नवीद कमर साहब की वीडियो शेयर करके उन्होंने टिक ठिकठाक टॉन्ट किया हामिद मीर साहब क्या कहते हैं मैं सामने रखता हूं हमारी अदालतों के जज अपने फैसलों में कुरानी आयात के हवाले देते हैं लेकिन किरदार यह है कि अक्सर जजों की अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले ही फैसले का अंदाजा लगा लिया जाता है बोलती तस्वीर में एक बोलती तस्वीर में शेयर करने लगा मुलाजा कीजिएगा ये ईद ए मिलादुल का बैनर है इस बैनर के ऊपर बजाय इसके कि रोज रसूल और खान काबा के जो इमेजेस वो आवेजा किए जाते हैं नवाज शिफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इमेज आवेजा करके इसको होर्डिंग को सड़कों के ऊपर लगाया गया है तो बस ये सिलसिला रह गया बस इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार कुछ वायरल बयान इस डिस्कलेमर के साथ अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार सलमान अक्रम राजा साहब कहते हैं तरीम का मकसद सिर्फ एक था कि ससा को रिटायरमेंट के बाद नई अदालत का चीफ ज किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो और जहां इमरान खान के मुकदमा चलाए जाएं और इसी अदालत से पीटीआई को बैन करवाने का मंसूबा भी था जिन्होंने मंसूबा बनाया था उनके लिए इतना कहना चाहूंगा वह खैर मीन और अल्लाह बेहतरीन तब्दीर करने वाला है मैं कैसे कर लेते हो यार आगे जी मुस्तफा नवाज खोकर साहब इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली को बीस करोड़ की ऑफर हुई जब उसने इनकार किया तो उसकी बीवी और बेटी को उठा लिया गया आमिंद मीर साहब ने भी कहा बीस करोड़ रुपए की ऑफर के बाद वो नहीं माना उसकी बीवी और बच्चों को उठा लिया गया हालात ये है अनसार अबाजी साहब कहते हैं कि पीटीआई के बंदे इनके साथ जो मिल गए थे वो पूरे थे कैसे कर लेते हो यार आगे चलते हैं नहीं बाबर अवान साहब ये आईनी तरामीम नहीं मुतफिका दस्तूर का डेथ वारंट है डॉक्टर बाबर अवान डेथ वारंट है जो सियासतदान भी इसकी करेगा उसका नाम आइन के कातलों में लिखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट खात्म हाई कोर्ट खत्म शुमाली कोरियन मॉडल को हल हर हाल में रोकना होगा जो ये मॉडल लाना चाह रहे हैं उनके लिए इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार ब्लॉग से इतना ही सब्सक्राइब कीजिए बीन याद रखिएगा